रही है, रोजाना जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं वो हर किसी को डरा देने वाले हैं। जितने भी आंकड़े हम रोज देख रहे हैं, कहीं ना कहीं 7,000 का आंकड़ा बीते कुछ दिनों में जो है वो छू चुका है, और मृतकों का जो भी आंकड़ा है वो भी अब 7,000 छूने ही वाला है। तो अविनाश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि नागपुर में जिस तरीके से कोरोना की स्थिति है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सितंबर और अभी की जो वेव है, इसमें सबसे बड़ा जो अंतर ये है कि सितंबर के वेव में ग्रामीण जो था हमारा, रूरल जो एरिया है, वो रूरल एरिया में पेशेंट्स इतने नहीं थे, ना कि वहाँ की डेथ रिपोर्ट भी आती थी। और तब हमारे पास में 1600 बेड अवेलेबल थे नागपुर महानगर पालिका के, वो उसमें भी मैक्सिमम हम लोग अवेलेबिलिटी करते थे। अभी आप देखेंगे तो इस वेव में शहर में जितने पेशेंट मिल रहे हैं, लगभग उतने ही पेशेंट, उसके करीब करीब पेशेंट ग्रामीण में हमको दिखाई दे रहे हैं। और वही डेथ रेशियो भी हम लोग देखेंगे तो ग्रामीण का डेथ रेशियो ज़्यादा है शहर के डेथ रेशियो के कंपैरिजन में। और जो कोरोना का प्रोटोकॉल ये कहता है कि पेशेंट कहीं का भी अगर सिटी में, जिस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया में उसकी डेथ हुई है, तो उसे उसके गांव तक ले जा नहीं सकते, मतलब उसके घर तक ले जा नहीं सकते, उसको डायरेक्ट शमशान घाट पे ले जाना पड़ता है और वहीं पर फिर उसका जो क्रियाकर्म है वो करना पड़ता है। तो शहर के साथ साथ ग्रामीण की भी डेड बॉडी है और अदर सिटी की भी डेड बॉडीज जो है वो नागपुर शहर में हमको उनका अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। तो ये सब कुल मिलाकर जो लोड है वो अभी शहर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है। इसकी व्यवस्था करने में हम लोग पूरी तरह से लगे हुए, जहाँ जहाँ पर हमें लगता है कि जो जो चीज़ की जरूरत है वो चीज़ हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। जितने भी पेशेंट आ रहे हैं, सेकेंड वेव है वो ज्यादा तरीके से फैल गई, तो इस पर मतलब किस तरीके से उपाय योजना वगैरह की है? ठीक है, ऐसा है कि पहले वेव में जो डबल म्यूटेंट नहीं था, सिंगल म्यूटेंट था, तो उसमें पेशेंट जो है वो तीसरे चौथे दिन रिलीफ तक पहुंच जाता था, तो उसका डिस्चार्ज भी 7वें 8वें दिन हो जाता था। तो इस वजह से हॉस्पिटल्स जो है बेड से वो कम लगते थे। अभी जो म्यूटेंट है इसमें 5वें दिन सिम्टम्स दिखते हैं ज़्यादातर, मतलब पेशेंट जो क्रिटिकल होता है वो 4थे 5वें दिन क्रिटिकल होता है और फिर वो एडमिटेंस से बाद में 10 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। तो एडमिटेंस का पीरियड जो है वो ज़्यादा समय लगता है पेशेंट को रिकवर होने के लिए। तो पीरियड बढ़ने की वजह से ऑक्यूपेंसी ऑफ बेड वो ज़्यादा समय के लिए लेते हैं, इसलिए ज़्यादा बेड की इसेंशियलिटी हमें ज़रूरत पड़ रही है। इसलिए हम लोग डेली, मतलब किसी कभी होटल के साथ में टाइप करते, कभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ में टाइप करके, या प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इंस्ट्रक्शन दे के, कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल्स एम्स में बेड बढ़ा के, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा के इसको कॉम्पेंसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट जो मतलब जिस स्पीड से पेशेंट बढ़ रहे हैं, जिस स्पीड से ये म्यूटेंट की वजह से इसका प्रसार हो रहा है, तो वो कम्पेट करने के लिए खाली बेड बढ़ाना ये बात नहीं है। बेड तो हम चाहे उतने बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन की मात्रा है, वो ऑक्सीजन की मात्रा पिछला जो हमारा पैंडेमिक था सितंबर का, उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा लगती थी वो 15 लीटर की मात्रा नहीं लगती थी, पेशेंट को कम लगती थी। अभी पेशेंट को 15 लीटर की मात्रा लगती है, इसलिए ऑक्सीजन का भी हमें ध्यान रख के उस हिसाब से काम करना पड़ता है। ऑक्सीजन का भी हमको मैनेजमेंट करना पड़ रहा है, ऑक्सीजन भी ज़्यादा से ज़्यादा इस शहर में आए इसकी कोशिश करनी पड़ रही है। कोशिश हमारी जारी है, डेली 50-60-100 बेड हम लोग बढ़ाते हैं। एक अच्छी बात यह है कि पिछले 2 दिन से एडमिटेंस के लिए पेशेंट का आना जो है वो कम हो रहा है, और जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर से ओपीडीज है वहाँ पर जाकर वो दवाई ले रहे हैं, उसका रिकवरी भी थोड़ा अच्छा दिख रहा है पिछले 2-3 दिन से। तो 10-20% जो एडमिटेंस का जो रेट है वो पिछले 2 दिन से हमें कम जाते हुए दिख रहा है, ये एक हमारे लिए अच्छी बात है। और दूसरा कि जो हमारा 34-35% जो पॉजिटिविटी रेट था, अभी वो 27-29 इस पर आया है, तो थोड़ा डिक्लिनेशन स्टार्ट हुआ होगा ऐसा हमें लगने लगा अभी, क्योंकि जो 40-50 दिन का ये पैंडेमिक का पीरियड जो चला है, इसमें अभी थोड़ा सा धीरे धीरे भले ही संख्या की मात्रा ज़्यादा है, लेकिन पॉजिटिविटी जो रेट है, पॉजिटिविटी रेट जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं, वो धीरे धीरे कम होते दिखाई दे रहा है। सर, अभी तक कुछ दिनों पहले बीसीएन न्यूज की टीम ने जितने भी शहर के घाट है उनका जायजा लिया था, ऑलमोस्ट 10 घाटों का हमने जायजा लिया।
इसमें हमें ये बातें सामने आई कि रोजाना, जैसे अगर हम गंगा माई घाट की बात करें तो वहां पे 70 से 72 शवों को लाया जा रहा है, जिसमें जितने भी 60 से 65 है वो कोरोना के मरीज है, ऐसे घाटों द्वारा बताया जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो ये आंकड़े घाटों द्वारा घाटों के थ्रू आ रहे हैं और वो जो आंकड़े प्रशासन द्वारा बताए, इनमें काफी अंतर देखा जा रहा है, तो मैं इस बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। नहीं, दो चीजें इसमें ऐसी है कि ज्यादातर कोविड पेशेंट जो है वो मक्षदाम और गंगाबाई घाट के ऊपर हम लोग ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेयर और मेडिकल ये दोनों के पास में वो घाट है। तो चाहे किसी भी जोन का पेशेंट हो, ज्यादातर डेड बॉडीज हम लोग मक्षदाम और गंगाबाई घाट पर ले जाते, इसलिए वहां पर संख्या भारी मात्रा में आपको दिखेगी। लेकिन बाकी के जो घाट है, जैसा वैशाली नगर नारा नारी घाट है, इधर सहकार नगर घाट है, मानेवाड़ा घाट है, हमारा चीज भवन घाट है, ऐसे जो घाट है वहां पर उस कंपैरिजन में पेशेंट्स आपको कम, मतलब डेड बॉडीज वो कम आती हुई दिखेगी। तो मैक्सिमम बर्डन जो था वो गंगाबाई घाट और मोक्षदम घाट पर था, और एक दिन में 113, आप हफ्ते भर